हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच मेरे चैनल को इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। आप लोगों के कमेंट्स और लाइक्स ही मेरे को मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। और बहुत दिनों से इस चीज़ की डिमांड थी, काफ़ी लोग मेरे से कमेंट में पूछ रहे थे प्रीमिक्स का केक कैसे बनाना है, तो मैं उनको रेसिपी बता देती थी रिटिन में। पर आज मैं खास आपके लिए ये लेके आई हूँ कि किस तरीके से प्रीमिक्स से आपको केक बनाना है। ये देखिए कितना सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट, एकदम ब्रेड जैसा सॉफ्ट अच्छा बेक हुआ है और ऊपर से क्रैक भी नहीं आया है। तो इसके ऊपर क्रैक कैसे नहीं आया ये आप वीडियो में ज़रूर देखें। मैंने बताया है कि आप क्या करेंगे तो आपके केक के ऊपर इस तरीके से डोम शेप और क्रैक आएगा, और क्या करें जिससे आपका केक एकदम फ्लैट बेक हो। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ, मैं यहाँ प्रिस्टीन का वेज वेनिला फ्लेवर का प्रीमिक्स यूज़ कर रही हूँ। मार्केट में बेकर्स विला या फिर पिल्सबेरी सॉरी और भी ब्रांड के आते हैं प्रीमिक्स, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। वेनिला एक लीजिए। वेनिला इसमें क्या होता है कि जो एसेंस का टेस्ट है, फ्लेवर है, ये बहुत ही लाइट होता है। अगर आप इस प्रीमिक्स से, वेनिला के प्रीमिक्स से वेनिला केक ही बनाएंगे तो भी आपको उसमें वेनिला का एसेंस ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें उसका जो फ्लेवर है वो बहुत लाइट होता है, उससे आपको पता नहीं चलेगा। तो आप एक ये केक लें, प्रीमिक्स लें, और इस पे आप अलग अलग आप जो भी फ्लेवर डालना चाहते हैं वो फ्लेवर डाल के अपना केक बना सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कैसे बनाना है। जो कप यूज़ कर रही हूँ वो है 200 ml का कप, और यहाँ 1 cup आपको एकदम लेवल में 1 cup लेना है प्रीमिक्स, और 1 cup के साथ 1/4 cup और प्रीमिक्स। तो यहाँ पे टोटल जो प्रीमिक्स लगा है वो है हमारा 1 cup प्लस 1/4 cup, 3/4 cup जो हमने 1 cup लिया था, 1 cup में हमने 3/4 cup लिया है पानी। ये नॉर्मल पानी है, गुनगुना या ठंडा नहीं है। इसको इलेक्ट्रिक ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से हम फेंट लेंगे हल्का होने तक। इसको फेंटने में 2 मिनट कम से कम लगेंगे। बहुत अच्छे से इसको फेंटना ज़रूरी है ताकि ये हल्का हो जाए फेंट के। ये देखिए यहाँ पे हमारा जो बैटर है वो फिट चुका है। हमेशा बैटर को एक ही डायरेक्शन में फेंटें, लेफ्ट राइट घुमा घुमा के ना फेंके फेंटें। और इसमें मैं मिलाने वाली हूँ 1 tablespoon रिफाइन ऑयल। आप कोई भी ब्रांड का रिफाइन ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बस जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट या स्मेल ना हो। अब रिफाइन डालने के बाद इसको हम फिर से बहुत अच्छे से फेंट लेंगे मिक्स होने तक। इसी टाइम पे यहाँ पे मैं एसेंस भी मिक्स कर देती हूँ। मैं यहाँ पे वेनिला केक बना रही हूँ इसलिए मैं वेनिला एसेंस मिक्स करूँगी। आप जो भी केक बनाएं आप एसेंस से उसका टेस्ट चेंज कर सकते हैं। 1/2 tsp मैंने इसमें डाला है वेनिला एसेंस। अब इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे फिर से। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा बैटर एकदम बनके रेडी है, इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम ठीक है। इसको अब हम डालेंगे 6 इंच के टिन में। यहाँ मैं 1/2 kg की रेसिपी बना रही हूँ, इसलिए अगर आपको 1 kg की रेसिपी बनानी है तो मैंने जितना इसमें इंग्रेडिएंट डाला है आप उसका डबल कर दें। ये देखिए यहाँ पे मैंने 6 इंच के टिन को घी से ग्रीस कर लिया था और उस पर मैदा डस्ट करके हर तरफ उसको अच्छे से फैला लिया, और एक्स्ट्रा मैदा निकाल लें, कहीं भी ऐसा मैदा जमा ना रह जाए वरना वो आपके केक को जला देगा। और हमारा ये जो बैटर है इसको मैं डालूंगी हमारे केक टिन में।
इस स्पंज को बनने के बाद इसका वेट हाफ के जी नहीं होगा, 300 कुछ ग्राम होगा इसका वेट। जब हम इसको क्रीम के साथ डेकोरेट करेंगे तब इस केक का जो वेट है वो हमारा हाफ के जी केक के लिए रेडी हो जाएगा। कभी भी आप अपने टिन को ज़मीन पे किचन के प्लेटफॉर्म पे ना टैप करें वरना आपके जो टिन है उसमें डेंट पड़ जाएगा। तो इसमें सारे बबल्स जो है वो मैंने रिलीज़ कर दिए हैं। और जब तक हमारा ये बैटर रेडी हो रहा था मैंने ओवन को प्रीहीट होने के लिए रखा था 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए, और नीचे की कॉइल ऑन की है। आप कॉइल अपर और लोअर दोनों ऑन कर सकते हैं। अपर कॉइल ऑन करने से बस फ़र्क ये आता है कि जब आपका केक फूलेगा तो वो थोड़ा सा डोम शेप ले लेगा जब आपको उसको कट करके हटाना पड़ेगा। और आज मैं जो केक बेक कर रही हूँ वो मैं लोअर रैक पे बेक करने वाली हूँ, ऊपर की कॉइल मैंने ऑफ कर दी है। 35 मिनट इसको लगेंगे मेरे ओवन में, 30-35 मिनट, क्योंकि मेरे ओवन का साइज़ 60 लीटर है। तो आप अपने ओवन के साइज़ के अकॉर्डिंग इसका टाइम कम ज़्यादा देख लें। हो सकता है जो ओवन 19 लीटर या 28 लीटर या 32 लीटर तक के भी होंगे, मे बी उनमें 25 मिनट में ही आपका ये केक बन के रेडी हो जाए। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसको बेक होने के बाद कि ये कैसा बना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 35 मिनट में बहुत अच्छे से केक बन के रेडी हो गया है। मैंने ऊपर की कॉइल ऑन नहीं की थी तो आप देख सकते हैं केक जो है वो फ्लैट अच्छा बेक हुआ है, वरना ऊपर से क्रैक आ जाता है अगर आप ऊपर की कॉइल ऑन करेंगे तो। और ये देखिए साइड्स जो है ये केक अपने आप छोड़ देता है, इससे भी पता चल जाता है कि हमारा केक रेडी हो गया है। और ये अब ठंडा हो चुका है बन के तो ये बहुत ही ईजी अब निकल जाएगा बाहर। तो ये देखिए मैंने इसमें ना बेकिंग पेपर लगाया था ना कुछ, और ये देखिए बहुत ही बढ़िया, ये कितना सॉफ्ट बेक हुआ है। ये मैं आपको अंदर से कट करके दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। इस प्रीमिक्स में ना आपको बेकिंग पाउडर मिलाना है, ना बेकिंग सोडा, ना दूध दही, आपको इसमें कुछ चीनी तक नहीं मिलानी है। ये पूरा प्रीमिक्स बना हुआ आया है रेडीमेड, सिर्फ आपको इसमें मेजर करके पानी डालना है, तेल डालना है, अच्छे से फेंटना है, और जिस भी फ्लेवर का बनाना है उसका आपको एसेंस डालना है। तो मैं ये आपको पहले कट करके दिखाती हूँ। अगर आपके जो केक है वो डोम शेप में आता है तो आपको इस तरीके से उसको लेवल में करना पड़ेगा, पर ये फ्लैट बेक हुआ है इसलिए हमें इसे लेवल में नहीं करने की ज़रूरत है, इसको हम सिर्फ लेयर करेंगे। पर मैं अभी कोई केक नहीं बनाने वाली हूँ तो इसलिए मैं इसको लेयर में नहीं कट कर रही हूँ। मैं इसको सिर्फ आपको कट करके दिखाऊंगी कि ये अंदर से कैसा बेक हुआ है। ये देखिए आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना अच्छा जालीदार बेक हुआ है। मैं आपको ये दबा के भी दिखाती हूँ, ये बिल्कुल जमेगा नहीं, जबकि ये हल्का भी हल्का हल्का सा गर्म है, पर फिर भी मैं आपको इसे दबा के दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं फिर से ये फूल जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा बेक हुआ है मेरे ओवन में, इसने पूरा 35 मिनट लिया था बेक होने में। ज़रूरी नहीं कि आपके ओवन में भी 35 मिनट ले, हो सकता है 25 मिनट या 30 मिनट में भी बेक हो जाए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको ज़रूर ट्राई करें, अपना केक आप घर से इसी तरीके से बनाएं प्रीमिक्स से। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे क्या होता है कि मैं मोटिवेट होती हूँ आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लाने के लिए। अगर आपकी कुछ और भी डिमांड है, आप कुछ और सीखना चाहते हैं मेरे से, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।